दाल चावल खाकर फर्स्ट टाइम हम भी जा रहे थे, लेकिन आज के डेट में दुकान पे फार्म पे 10 लोग 5 लोग आते हैं जो अच्छे से हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मोदी जी के जन्मदिन के दिन ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उसी दिन हम अपने मशरूम गर्ल कैफे का ओपनिंग किए, जिसका फीता पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सर उसको काट कर उसका ओपनिंग किए सर। किसान भाइयों, आप बिल्कुल, ये एक अपने आप में बेमिसाल कहानी है सफलता की। और आप देख सकते हैं कि 400 रुपये से शुरुआत करने वाली लड़की आज 4 करोड़ की कहानी कहने के लिए आपके साथ, आपके सामने है। मतलब ये इसको विश्वास है कि हम 400 से शुरुआत किए हैं और 4 करोड़ की जो मंजिल है वो हमसे दूर नहीं है। हम आज संपूर्ण रूप से, आप मशरूम गर्ल के नाम से यह इस क्षेत्र में विख्यात है। और क्या लगता है कि मशरूम गर्ल बनना जैनब से बेहतर है, मशरूम गर्ल बनना आपको? नहीं सर, ये तो नाम मैंने नहीं रखी, बिहार में लोगों ने, लेकिन हमारे जितने भी पब्लिक हैं, मैं बार बार कहूँगी कि मोतिहारी के जितने भी मीडिया भाई हैं या आम पब्लिक है, या कृषि पदाधिकारी हो, या उद्यान पदाधिकारी हो, या पिपरा कोटी के साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, ये लोगों का सर मैं एहसान नहीं चुका सकती हूँ जो मोतिहारी में हमको फॉर्म दिए हैं फ्री में काम करने के लिए। सबका मैं सर एहसान मंग, ये लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हम इस चीज को कर रहे हैं और पब्लिक का सपोर्ट रहा। तो हम चाहते हैं कि एक महिला टीम बनकर, एक माँ जिस तरह का कास्ट है, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को घर से बाहर निकलना, कि गांव में मैसेज देना चाहते हैं कि लड़की बाहर जाती है तो सब गलत नहीं होती है, वो अच्छा करती है। और लड़की लोग अगर बाहर जा रही है तो माँ बाप का नाम रोशन करे, कुछ गलत ना करे, एक अच्छा मैसेज दे। सब महिला मिलकर, सब युवक मिलकर हम इस चीज़ को काम करना है। अभी एक लड़का भी कोटवा साइड का है, वो भी पढ़ाई किया है, बीटेक किया हुआ है, उसको सर हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं, मशरूम के अचार पर काम कर रहा है, उससे हम उससे करवा रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है कि सब मिलकर इस काम को करें और इसको आगे बढ़ाएं। मतलब मशरूम गर्ल, मशरूम बॉय तैयार करने में लग गए हैं। और निश्चित रूप से यह सफलता की कहानी हमारे बिहार के अन्य कृषकों को प्रेरित करेगी। और प्रेरणा का स्रोत अगर कोई बनेगा तो वो है मोतिहारी की जैनब बेगम। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे